की जय। श्याम प्यारे की जय। श्री श्याम। मैं जब से इस मंदिर से जुड़ी हूँ, जब से मंदिर निर्माण हुआ है, तो से महंती जी की कृपा से आशीर्वाद मिल के मेरा हर काम समर्थ रहता है। जो भी मैंने ना माना मांगा वो भी मुझे मिला। महंती जी की कृपा से मेरा घर भी बन गया। मेरे जीजा जी भी एक साल से मेरी बहन को छोड़ गए थे, वो भी बुला के ले गए। उसके बाद में जो महंती जी ने मुझसे कुछ दिन पहले कहा था तेरे घर में किसी का रिश्ता लग रहा है, तो मैंने बोला था मेरे भाई का रिश्ता लग रहा है। इनकी कृपा से वही रिश्ता हुआ, अब वही शादी भी हो रही है, घर भी बन गया और इनकी कृपा से सब कुछ सही सलामत है। जय श्री श्याम। और हाँ, मेरी एक मेरी भाभी जी हैं, उनके ऑपरेशन बोल दिया था, तो महंती जी की कृपा से नॉर्मल बच्चा हुआ। हाँ, और एक बार हाँ बहुत बड़ी कृपा हुई, बहुत महान कृपा हुई। अब मैं महंती जी से जो भी मांगूँ मुझे मन्नत मिलती, एक मांगूँ तो दो मन्नत फ्री में मिलती है। पूरा जीवन बदल दिया। हाँ, पूरा जीवन बदल दिया, जीवन मेरा खुशियों में बदल दिया। हाँ, बस महंती जी का बस महंती जी का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे साथ बना रहा, और इनकी कृपा से सब कुछ काम संभल गए, जो भी मांगा मैंने मुझे मिला, और हाई स्कूल में भी बहुत अच्छी परसेंट से पास हुई थी। कि सारे की जय। जय महंती जी महाराज की जय। बोलिए मनोना धाम की बहन जी महाराज की श्याम प्यारे की बेटी है। अच्छा, महाराज जी के आशीर्वाद से मिली है जी। जी बताएं। ये शादी के 1.5 साल बाद हुई है मेरी। अच्छा। मैंने यहाँ पे सिर्फ अर्जी लगाई थी। हाँ। और 1 महीने के बाद ही पहले समस्या थी कोई क्या? हाँ, सब बताते थे गांठे हैं, कोई सूजन बताता था। हाँ। मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा था, ना दवाई से किसी भी चीज से नहीं हो रहा था। अच्छा। हाँ, बहुत इलाज कराया था, इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा था। कोई फायदा नहीं हुआ था। महाराज जी से एक बार आशीर्वाद लेके गए। हाँ, बस इन्होंने बोल दिया था कि हाँ हो जाएगा, बेटी के रूप में आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय मनोना धाम। जय मनोना। 10 साल बाद मिला। बोलिए मनोना धाम की बहन जी महाराज की श्याम प्यारे की। मेरा गांठ था वो 2 साल से था यहाँ पे गले में, कि वो ठीक नहीं हो रहा था, बट महाराज जी ने ऐसे ही टच किया, मतलब ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये गायब हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा है। सुनने से आप नहीं पता चल रही है? नहीं, पता नहीं चल रहा है। कितनी बड़ी गांठ थी ये? छोटी सी थी, छोटी सी थी, 2 साल पुरानी गांठ थी, और महाराज जी के छूटे ही गायब हो गई। हाँ, मुझे पता नहीं चल रहा। तो क्या नाम आपका? पंकज। कहाँ से आए थे? दिल्ली से। दिल्ली से आए थे। आपके साथ ये कृपा हुई, कैसा लग रहा है आप? ये तो मैं कुछ लफ्ज ही नहीं है महाराज जी को बोलने के लिए। बहुत खुश हैं। बहुत खुश और निशब्द हैं इस कृपा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बोल दो हारे के सहारे की जय। महान जी महाराज की जय। बहन जी महाराज की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? काजल नाम है मेरा, मैं मुरादाबाद से आई हूँ। अच्छा जी, तो ये क्या समस्या दिखा रहे थे महाराज? ये मेरे एक गांठ बन चुकी थी, डॉक्टरों को दिखाया था तो कोई कैंसर बता था, कोई टीबी, पर अब नहीं है मेरे महाराज के छूने के बाद।
कैंसर और टीवी हाँ, बताते थे। अब कुछ नहीं। कब से थी ये गांठ? ये मेरी शादी से पहले से थी, 5 साल पुरानी है। 5 साल पुरानी गांठ थी जी। महाराज जी के छूते ही गायब हो गई जी। तो अब कैसा लग रहा है फिर? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से। यहाँ पर दूसरी बार आए हैं, पहली बार भी आए थे। और पहली बार आए थे तो किराए पे रहती थी, महाराज ने कहा था बहुत जल्दी प्लॉट ले लोगे, और मैंने ले भी लिया और तभी आई हूँ उस खुशी में। तो बहुत कृपा हो रही है जी मेरे ऊपर, बहुत कृपा हो गई आपकी। कैसा महसूस कर रहे? मैं बहुत अच्छा, बहुत। क्या कहना चाहोगे महाराज जी? बस महाराज अपना आशीर्वाद हम पे बनाए, हमेशा बनाए, हमेशा। बहुत खुश हैं? बहुत। बोल दो हारे के सहारे की जय, श्याम बाबा की धाम की जय, बहन जी महाराज की जय। 21 साल बाद मिला है शादी, 21 साल बाद। बोलिए मनोना धाम के, मैन जी महाराज के, श्याम प्यारे के। नहीं पा रहा था। जय श्री श्याम। क्या नाम आपका? संध्या। संध्या जी कहाँ से आए आप? फरुखाबाद श्याम नगर। ये पहले आए तो ये चल नहीं पाते थे। अच्छा। हाँ, दिमाग में सूजन थी तो डॉक्टर को दिखाया तो यहाँ आके दोबारा गए 2 दिन बाद, तो सूजन तो ठीक हो गई। हाँ। तो अब इसकी पेट की दवाई चल रही है। अच्छा। हाँ, पेट में दिक्कत है। अच्छा। ये कब से नहीं चल पा रहा था? ये कम से महीना भर हो गया था, महीने भर से बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। हाँ। तो महाराज जी से आशीर्वाद लेके गए और आज चल के आया है। हाँ। तो कितने खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। क्या कहोगे महाराज जी की इस कृपा के लिए? महाराज का बहुत कृपा बनी रहे हमेशा, कृपा जीवन भर। बहुत खुश है यार। हाँ। तो बोल दो हारे के सहारे की जय, मनोना धाम की जय, बहन जी महाराज की जय। कैसे हो? कैसे हो? पहले से बेटर हो? एकदम एकदम ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जल्दी ऑक्सीजन हट जाए तो हम इसको यहाँ पे पास ही आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन हट जाएगी। अब कितनी देर हटा देती है? 1-1.5 घंटे। 1-1.5 घंटे हटा देती है। ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ाते चले जाओ। जय श्री श्याम। क्या नाम आपका? प्रवीण कुमार है जी। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए। दिल्ली से? हाँ जी। हाँ जी। तो क्या समस्या लेकर आए थे? बाबा जी ये बहुत बीमार रहते थे। हाँ। हमने बहुत इलाज कराया। हाँ। बहुत जगह घूमे। हाँ। डॉक्टरी इलाज कराया, कहीं राम नहीं आया। अच्छा। हम 15 दिन पहले बाबा जी के यहाँ आए थे। अच्छा। जल ले गए थे, बाबा जी का आशीर्वाद मिला है और अब बिल्कुल ठीक हो गए। आप बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने सालों से बीमार थे? ये तो काफी टाइम से बीमार है जी। बहुत सालों से बीमार थे। और 4 महीने से तो बहुत दुखी हो गया था जी मैं। अच्छा। मैंने ऐसा कोई दर्द नहीं छोड़ा जहाँ नहीं मैं गया। अच्छा। जिसने मेरे को जहाँ बताया मैं वहीं चला गया। यहाँ भी हमारा कोई रिश्तेदार आया था, उसके यहाँ पे गांठ थी, वो दूसरी बार में बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, तो उसने ही बताया कहीं मत जाओ, मनोना धाम जाओ और बाबा का जल लाओ, ठीक हो जाओ। तो आज ये आप पर कृपा हुई महाराज जी की। अरे बड़ी कृपा बाबा जी की। बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं जी। तो क्या कहना चाहोगे महाराज जी की इस कृपा के लिए? महाराज जी का बड़ा धन्यवाद है। कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, जो परेशान है या मनोना धाम आए और बाबा जी कृपा करेंगे। बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। बोल दो हारे के सहारे की जय, मनोना धाम की जय, महाराज की जय, श्याम प्यारे की जय। मेरा नाम महेंद्र शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा से हूँ। अच्छा। मेरा लीवर 100% डैमेज हो चुका था, डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। हाँ। और मैंने घर पे मन ही मन बाबा से अर्जी लगाई। हाँ। अर्जी लगाने के बाद अब मेरा 60 से लेके 70% तक बिल्कुल स्वस्थ है जी, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अच्छा।
जीता जागता प्रमाण जी, और नहीं डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपका लिवर ट्रांसप्लांट होना है। तो श्याम बाबा की और हमारे मंत जी की ऐसी कृपा हुई है, मैं हरियाणा से 650 किलोमीटर चल के यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आज ही आया हूँ जी, पहली बार। तो आपने मन ही मन स्मरण किया था? मन ही मन स्मरण किया था जी, अर्जी लगाई थी बाबा अगर मैं ठीक हो जाऊँगा तो आपके धाम पे चल के आऊँगा। अच्छा, और आता ही रहूँगा। हाँ जी, तो आज आप स्वस्थ हो और महाराज जी के? बिल्कुल जी, मैं आपके सामने खड़ा हूँ जी, और मेरा 100% लीवर बिल्कुल डैमेज था जी, डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि आपका ट्रांसप्लांट होना है। 20 दिन पहले मैं चंडीगढ़ आईसीयू में था जी, मैं चल नहीं सकता था, मैं मेरे को ये उठाते थे, मेरा भाई ये छोटा, ये मेरे को उठाते थे जी, जैसे चम्मच से ही खाना खिलाते थे, कुछ भी खिलाना होता था, दलिया वगैरह, लेकिन आज मैं रोटी भी खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ जी। महाराज जी के चरणों तक पहुंचे हो? बिल्कुल जी, बड़ी कृपा हुई है जी मेरे ऊपर, जैसी कृपा मेरे ऊपर हुई है ऐसी सभी भक्तों पर होगी, और बाबा का ये एक लाइव चमत्कार है जी जो मेरे साथ हुआ है। बहुत प्रसन्न है, बहुत से बहुत, मैं तो कहता हूँ कि जो भी है जहाँ से भी है, जहाँ ये वीडियो देखे लाइक करे शेयर करे, और यहाँ बाबा के धाम पे चल के आए। बहुत बढ़िया, बोल दो हारे के सहारे की जय, जय महंत जी महाराज की जय। बोलिए मनोना धाम की, मैन जी महाराज की, श्याम प्यारे की। जय श्री राम। क्या नाम आपका? प्रेमपाल मिश्रा। कहाँ से आए आप? पीलीभीत। पीलीभीत, क्या कृपा हुई इनके साथ, क्या समस्या लेकर? इसके सिर में बहुत इन्फेक्शन था, लगभग 2 लाख रुपए खर्च कर चुका था। अच्छा जी। हाँ, और जब से यहाँ आ रहे हैं अभी 7-8 महीने हो चुके हैं। अच्छा, तब से बहुत आ रहा हूँ मैं। तो इन्फेक्शन कब से था? ये लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया। 2 साल से ज़्यादा से मतलब इन्फेक्शन था जी, और 2 सारा रुपये 2 लाख से ज़्यादा हो गया खर्च। महाराज जी के पास जब से आप आ रहे हो बहुत फायदा है। फायदा ही फायदा है। क्या कहना चाहेंगे फिर आज? बस यहाँ पे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बीमारी की वजह से आ जाओ तो वो सब सही हो जाती है। अच्छा, बहुत खुश हैं आज। हाँ, बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय मनोना धाम। जय मां। हारे के सहारे की, मनोना धाम की, जयची महाराज की, खाटू नरेश की, शीश के दानी की, नीम बाल धारी की। बोलिए मनोना धाम की, मैन जी महाराज की, श्याम प्यारे की। हाँ जी, जय श्री श्याम। गांठ थी यहाँ पे ठीक, एक छुई जैसे ये तुरंत ही ठीक हो गई एकदम से। कितनी बड़ी गांठ थी? बड़ी थी इतनी, मतलब काफी बड़ी थी। कब से थी? 7-8 महीने काफी महीने, 5-6 महीनों से गांठ थी। महाराज जी ने जैसे ही छुआ तुरंत गायब हो गई। हाँ, नहीं महसूस हो रही है? महसूस ही नहीं हो रही। कहाँ से आए थे आप? बहेड़ी से आए हो? कब से मनोना धाम में आ रहे हो आप? दूसरी बार आए। दूसरी बार आए। आज ये कृपा हुई, कैसा महसूस कर रहे हो? बोलिए मनोना धाम की, मैन जी महाराज की, श्याम प्यारे की। बोलिए मनोना धाम की, मैन जी महाराज की, श्याम प्यारे की।
बोलिए मनोना धाम के मैन जी महाराज के श्याम प्यारे के। चला पूछ ले।